वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 हुई घोषित। हिटमैन रोहित शर्मा ने किए टीम में शानदार खिलाड़ी शामिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का आगाज बेहद जल्द शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी शानदार रणनीति घोषित कर दी है, जो कि टीम इंडिया में दमदार खिलाड़ियों को जोड़ते हुए इस सीरीज में हमें खेलते हुए दिखेंगे। हम बात करें यहां पर इस सीरीज के बारे में, तो यहां पर इस सीरीज का आगाज जो कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबला होगा, इसके बाद वनडे मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और इसके बाद वेस्टइंडीज़ दौरे पर ही भारतीय टीम 5 मुकाबलों की T20 सीरीज भी हमें खेलती हुई दिखेगी। हम बात करें यहां पर सबसे पहले टीम इंडिया के पूरे शेड्यूल के बारे में, इसके बाद हम जानेंगे कि यह मुकाबला कब शुरू होगा और इस मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस मुकाबले के बारे में तमाम जानकारी जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करे और इस मुकाबले को अपने नाम पर करे तो दोस्तों, हम बात करें फिलहाल टीम इंडिया की, तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल जो कि टीम में वापसी कर चुके हैं, तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में जोड़ा जाएगा और इस सीरीज में यह कमाल का परफॉर्मेंस भी हमें करते हुए दिखेंगे। जहाँ पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें, तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा यानी कि कप्तान रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल। तो वहीं पर नंबर 3 बल्लेबाज की बात करें तो नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा। नंबर 4 पर विराट कोहली हमें खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 5 पर संजू सैमसंग हमें खेलते हुए दिखेंगे। संजू सैमसंग जो कि शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज है, उन्हें यहाँ पर नंबर 5 पर मौका मिलने वाला है। तो वहीं पर नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर टीम इंडिया के वॉइस कैप्टन यानी कि हार्दिक पांड्या जो कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में भी काफ़ी दम दिखता है, यानी कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या जो कि शानदार वॉइस कैप्टन के रूप में रहते हुए मैदान पर उतरेंगे और यहाँ पर वेस्टइंडीज़ दौरे पर कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। तो वहीं पर नंबर 7 पर सर रविंद्र जडेजा उतरेंगे, तो नंबर 8 पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर हमें खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर कुलदीप यादव को मौका मिलेगा, तो नंबर 10 पर उमरान मलिक हमें खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज टीम इंडिया का हिस्सा रहने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर देखें तो भारतीय टीम के पास दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ ही भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी में भी काफ़ी दम है। तो वहीं पर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर से लगाकर मिडल ऑर्डर तक काफ़ी दमदार खिलाड़ी मौजूद रहेंगे जो कि यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। तो वहीं पर लोअर ऑर्डर में भी टीम इंडिया में दमदार खिलाड़ी मौजूद है जो कि वेस्टइंडीज़ दौरे पर हमें शानदार पारियां खेलते हुए दिखेंगे। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस मुकाबले के शुरू होने के समय के बारे में, तो यह मुकाबला शुरू होगा भारतीय समयानुसार शाम के 7:30 पर, यानी कि यहाँ पर 27 जुलाई से यह मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से यहां पर भारतीय टीम में क्या यशस्वी जायसवाल को नंबर 3 पर मौका मिलना चाहिए या फिर सूर्य कुमार यादव को, दोनों में से किस खिलाड़ी को यहां पर पहले मुकाबले में खेलना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।